नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए बारे में। इस योजना में 2024-25 में लगभग 1 लाख+ युवाओं को इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसमें अलग अलग सेक्टर में ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग 1 साल पहले मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना ऐसी, उसी प्रकार यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना आएगी। इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगी। इसमें अलग अलग सेक्टरों में आपको जॉब दी जाएगी। लगभग 1 साल में 1 लाख युवाओं को इसमें जॉब देने का प्रावधान रखा गया है। इसमें लगभग 15 से 30+ सेक्टर है, इसमें आपको जॉब मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको उसमें सैलरी भी आपको दी जाएगी। एंड यहाँ पर जो आपको देखने की मेन बात यह है कि इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर आप ग्रेजुएशन है तो अगर आप 10वीं पास भी हैं, 12वीं पास भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 8वीं पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई मिनिमम ये नहीं मांग रहा है कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए या इस सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट से हो या फिर आपके पास 8वीं अगर आप पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम दूसरा वीडियो आपको बनाकर बताएंगे कि इसमें आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देते हैं कि इसमें क्या कुछ काम करना पड़ेगा, किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। जो भी अपडेट आएगी, जो भी नई भर्ती की जानकारी आएगी, जो भी योजनाओं आएगी, उसकी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे एक यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी है। वेबसाइट पर आपको सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन वहीं से मिलेंगे। तो चलिए करते हैं वेबसाइट को ओपन, जिसका नाम है गोर न्यूज 24। गोर न्यूज 24 लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने एक पहली वेबसाइट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसे आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। कुछ देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। नेटवर्क इशू यहाँ पर चल रहा है, इसलिए हम कुछ देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। एंड वेट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस तो होने लगेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फॉलो करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ से जरूर फॉलो करें ताकि अपडेट आती रहे। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आज 12 अक्टूबर 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, मतलब कल इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देते हैं। इसकी पूरी अपडेट आपको लेना जरूरी है, डायरेक्ट आवेदन मत करिएगा इसमें, ठीक है। वैसे तो यह निःशुल्क है, अभी तक कोई इसमें बताया नहीं गया है कि क्या शुल्क रहेगा, अभी तो यह निःशुल्क है। तो पहले आप इसकी थोड़ी जानकारी लीजिए, उसके बाद इसमें आप आवेदन करिए। तो इसकी जो बेसिक जानकारी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 लाख युवाओं को लिए 500 प्राइवेट कंपनियों में काम करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। इसके लिए pminternship.mca.gov.in पर पोर्टल पर जाकर आज अक्टूबर 12 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट की इस दौरान हर महीने आपको ₹500 स्टाइपेंड कंपनी द्वारा दिया जाएगा, ₹4,500 स्टाइपेंड सरकार भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र 21 से 24 साल है तो आप इसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का पद है इंटर्नशिप, पीएम इंटर्नशिप। आवेदन इसके चालू हो चुके हैं दोस्तों, कल से, यानी कि 12/9/2024 से। एंड आवेदन की अंतिम तिथि है 25, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 12/10/2024 है और 25/10/2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 12/10 है, सॉरी अक्टूबर है, ठीक है, 12/10 है। आवेदन निःशुल्क रहेगा, चाहे वो ST ST OBC किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। कुल पदों की संख्या अगर हम देख लें तो 2024-25 में टोटल 1 लाख युवाओं को इसमें नौकरी दी जाएगी। किन किन सेक्टर में, तो यहाँ पर लगभग लगभग आपको 15 से 20 सेक्टर दिख जाएंगे। केमिकल इंडस्ट्री, काउंसलिंग सर्विस, MFG, JMS, ज्वेलरी, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, एविशनल एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, हाउसिंग, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड अदर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो देखने को है वो मिल जाएंगे।
एंड यहाँ पर आपको थोड़े नीचे भी रहना चाहिए, ठीक। एजुकेशनल क्या रहनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको मेंटल हेल्थ माइनिंग की आपको बोझ देखने को मिल जाएंगे, एंड आपके जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल आपको पास होनी चाहिए, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी मतलब 10वीं या 12वीं आपको पास होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्टर में, जैसे आप ITI इलेक्ट्रिसियन में अप्लाई करते हैं तो आपको ITI सेक्टर में आपके पास भी डिप्लोमा होना चाहिए, तभी भी आप इलेक्ट्रिसियन सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। 2024-25 में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी, इस पर 8 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर कैंडिडेट को 6,000 रुपए तक का वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा। इसके बाद इंटर्न को हर अगर आप पहले स्टार्टिंग करते हैं तो आपको 6,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा, फिर उसके बाद हर महीने आपको 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स ने स्कीम के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी है। पोर्टल पर अभी कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है, 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, ठीक है। युवा इसमें 12 और यहां पर कंपनी 7 नवंबर तक का वक्त है, इसके बाद 2 दिसंबर तक कैंडिडेट को इंटर्नशिप दे दी जाएगी। 2 दिसंबर को इंटर्नशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो, ठीक। स्टाइपेंड कितना रहेगा, स्टाइपेंड की बात कर ले, स्टाइपेंड के साथ इंश्योरेंस कवरेज भी आपको मिलेगा। 12 महीने के इंटर्नशिप के दौरान कैंडिडेट को हर महीने 5,000 रुपए दिया जाएगा, जिसमें 500 रुपए कंपनी अपने CSR फंड से देगी। उसके बाद 4,500 रुपए सरकार कैंडिडेट को बैंक अकाउंट में डालेगी। अगर कंपनी चाहे तो इंटर्न को इंटर्न का जो स्टाइपेंड 500 रुपए उसे बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा, ठीक है, 5,000 तो आपको मिल रहा है, इसके अलावा भारत सरकार के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी इंटर्न को मिलेगा। इसका प्रीमियम रहेगी उसको भारत सरकार की ओर से भरा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसका जल्द ही आपको एक ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बनाकर बताएंगे कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं A to Z। आप एक बार में 3 सेक्टर को अप्लाई चुन सकते हैं, ठीक है, 3 सेक्टर से ज्यादा नहीं चुन सकते। क्या कुछ उसमें कैसा क्या आपको जानकारी भरनी है वो सभी जानकारी देंगे। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है युवा PM युवा इंटर्नशिप में तो हमें जरूर कमेंट कर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो दूसरे युवाओं जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की जरूरत है, तो उन्हें जरूर ये वीडियो मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।